इसमें पौधे तो ये मैंने सख्त मिट्टी लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास ये मिट्टी जो थी यहाँ पे रेत वाली थी, तो ये आप सख्त मिट्टी इसमें डाल के थोड़ी सी इसमें अगर आप पुदीना चाहें तो इस क्यारी में लगा सकते हैं, और साथ ही आप धनिया अगर लगाना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर क्यारी में इसमें धनिया लगाना है तो वो किस तरह से आप लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हम थोड़ा सा थोड़ी मिट्टी डालते हैं इसमें, क्योंकि ये मिट्टी अच्छी मिट्टी है, नीचे हमारे इस मिट्टी में रेत है, तो ये इस तरह से इसमें मिट्टी डालेंगे हम, और फिर मैं आपको इसका धनिया भी लगा के बताता हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। जी तो ये देखें मैंने इस पर मिट्टी डाल दिया है, तो इसमें आपने अगर इसमें पुदीना लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, तो इसमें अगर आपने धनिया लगाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने धनिया किस तरह से लगाना है। ये 10 रुपये का आप बाज़ार से धनिया ले लेंगे इस तरह से आपको मिलेगा, और फिर आपने इसको ऐसे जो मल के थोड़ा सा मसल के इसको, फिर उसके बाद आपने इसमें डालना है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से आपने करके, और ये इसी तरह से आपने इस क्यारी में डाल देना है।
से ही आप थोड़ा सा और ले लें, इसको आप थोड़ा सा मस लेंगे। बैठने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ आप ताकि ये मिट्टी के अंदर ऊपर नीचे इसको मिक्स हो जाए, इस तरह से आपने इसको कर देना है। उसके बाद आपने इसको फिर पानी दे देना है जी। उसके बाद आपने इसको रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए खुश रखे। तो आज मैंने ये चार पौधे अपने घर में लगाए हैं, तो मेरा आपसे मशवरा भी यही है कि आप भी अपने घर के सेम में इस तरह का कोई एक आधा पौधा लाजमी लगाएं। अगर घर में आपके जगह नहीं है तो आप बाहर अपने गेट के सामने आप एक पौधा अपने हाथ से लाजमी लगाएं, क्योंकि इस दफ़ा जो है कोरोना की वजह से आप घर में बिल्कुल फजूल बैठे हुए हैं, तो बजाय बेहतर है कि आप फजूल बैठने से आप ये सदका जारिया समझ के एक पौधा लाजमी लगाएं, क्योंकि इसमें कल ये अगर बड़ा हो जाएगा पौधा कि जो भी इसकी छाँव में बैठेगा तो आपको सदका जारिया आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये सवाब मिलता रहेगा। तो दूसरा यही है कि आप घर में फारग बैठे हुए हैं, आप कोशिश करें कि अपने जो घर में आपकी मिसिज है, अपने जो बहनें हैं या अपनी वालदा है, उसके साथ आप उनका हाथ बटाएं, क्योंकि हाथ बटाने से जो आपकी सेहत है वो भी अच्छी रहेगी और आपकी मिसिज भी खुश हो जाएगी और आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपकी वालदा और आपकी बहन भी खुश हो जाएगी। और इस तरह से करने से आपकी जो सेहत में बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप ये जो छुट्टियाँ हुई हैं अब कोरोना के हवाले से वो आप घर में बैठ बैठ के ऐसे बोर भी हो जाएंगी और आपकी सेहत जो है उसको भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये आपको अगर मेरी ये काबिश पौधे लगाने की अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और नीचे मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो आपको यही मशवरा है कि आप अपने घर में पौधा लाजमी लगाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मेरी तरफ से इजाज़त है जी।